जी हमारे खास मेहमान आ गए। आओ जी फकीरुल्ला साहब इधर आए, ये सामने आए, सामने ये फकीरुल्ला साहब आए। आपने अमेरिका इनके मेरे साथ है, इनकी तस्वीरें देखते रहे। राय साहब इधर बैठे, तो ये राय साहब हैं और ये फकीरुल्ला साहब हैं। ये इनके लिए हमने हलीम लाहौर का स्पेशल मंगवाया है, मशहूर दुकान का है वो। तो अभी हम मज़ीद ही गुफ्तगू करते हैं और आप ठीक है। वो जी खाने में रवायती जलेबी भी है जी। फकीरुल्ला साहब कैसे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब। आपको पिछली दफा भी आपने इंटरव्यू दिया था तो लोग बड़े आपको याद कर रहे थे, बड़ा पसंद कर रहे थे। मैं हाजिर हूं। ये खाएं ना सर, ये थोड़ी सी खाएं, फिर आपका बकायदा इंटरव्यू भी शुरू करते हैं। जो आप गिफ्ट हमारे लिए ले आए हैं वो भी नुमाइश करते हैं, उसकी नुमाइश भी करते हैं। तो कैसा रहा है सफर आपका? बड़ा अच्छा रहा है, बिल्कुल प्लेजेंट। अच्छा, जलेबी माशाल्लाह आपकी बड़ी टेस्टी है। टेस्टी है ना सर, पिछली दफा आपने हमें बर्फी खिलाई थी अपने इलाके की मशहूर, तो जलेबी तो माशाल्लाह बड़ी मजेदार है। ये कौन सा जलेबी? ये फकीरुल्ला साहब के इंटरव्यू के दौरान एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, ये देखें। गुजरांवाला राणा सनाला गिरफ्तार करके 28 मार्च को पेश किया जाए, पहली पेशी पे वारंट गिरफ्तारी नाकाबले जमानत। ये देखें, ये उन्होंने सिर्फ दरख्वास्त दी थी कि मैं आज बिजी हूँ तो मुझे हाजिरी माफी दी जाए, लेकिन उन्होंने नाकाबले जमानत वारंट जारी कर दिए। अभी थोड़ी देर तक मरियम नवाज के भी बताते हैं, उनको भी शायद आज पेशी पे बुलाया गया था और 10 तारीख को उसको सखर बुलाया गया है। ये तो उल्टा केस इनके ऊपर होना शुरू हो गया है ना। ये देखें, ठीक है जी, ये राणा सनाउल्ला के ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी हाजिरी की, और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है जी। ये भी आपको बीच में आ गई जी। सर जी, आप देख रहे हैं अभी हमने खाना खाया है और फकीरुल्ला साहब न्यूयॉर्क से आए हैं। एक तो इन्होंने अमेरिका में मुझे इतनी सैर करवाई है और आज इधर आए, इनसे सियासी गपशप भी लगाते हैं। सर कैसा रहा आपका सफर, ठीक रहा है? सफर बड़ा ठीक ठाक रहा, कम्फर्टेबल रहा। हाँ जी, तो ये कहते हैं सफर वसीला है जफर। आप तो किताबें लिखी है, आपने 8 किताबें लिखी है और उसमें सफरनामे भी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। मैंने पढ़ी हुई है किताबें सर की, तो ये कैसा रहा है सर आपका सफर? ठीक रहा, ठीक रहा है। अच्छा, कम्फर्टेबल। तो ये आज मिलने के लिए यहाँ आए हैं लाहौर, तो वैसे लाहौर के ही रहने वाले हैं। तो ये सर आप क्या लेके आए हैं? ये आपके लिए कुछ सर, मैंने ऐसे टोकन थोड़ा सा आपके लिए लेके आए हैं। अच्छा, ताकि आप लोग ये देखें, भूले नहीं, नहीं आप हमें बिल्कुल। गिफ्ट हमेशा लेके आते हैं, वहाँ जाओ तो भी देते हैं और आओ तो भी देते हैं। लिबर्टी है जो मैं अच्छा मलिक साहब के लिए लेके आया। अच्छा अच्छा, ये बड़ा प्यारा है ना, ये न्यूयॉर्क को भूले और ना ये हमें। हाँ, ये आपकी निशानी है बिल्कुल। तो ये इसमें क्या है सर? इसमें ऐसे लगाते हैं, इसका बेस है। हाँ, ये इसके ऊपर रखते हैं। ये देखे, तो ये रात को जलता भी है। हाँ, ये रात को जलता भी है, ठीक है बिल्कुल। तो ये लिबर्टी। अच्छा, ये थैंक यू सर, आप हमारे लिए लेके आए। तो ये इसका कवर है, ठीक है। और क्या है? और बाकी ये शर्ट्स हैं आपके लिए, ताकि आप जब भी लोग बुलाया करें तो पहने करें। ये देखिए जी, ये बड़ी माशाल्लाह XL की शर्ट है। हाँ। और ये देखिए, ये बहुत प्यारा कलर है, अंगूरी कलर है ये। ये अच्छा, ये फकीरुल्ला साहब की तरफ से गिफ्ट है। और अच्छा कलर चॉइस किया हमने, ये तो बहुत ही प्यारा कलर है। आज रात इसी में वीडियो बने। मेसी जो है बड़ा सुपर स्टोर है अमेरिका में। अच्छा, मेसी और सेलिब्रिटीज वगैरह मुंबई से शॉपिंग करते हैं। जी 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 जी, ये वहां से हमने हासिल की है। मलिक साहब के नवाज शरीफ, इमरान खान, सरदारी जहां से शॉपिंग करते, ये वहां से हमने मलिक साहब के लिए हासिल की है। थैंक यू सर, आप हमारे लिए इतने ज्यादा गिफ्ट लाए। मैं दोस्तों को मना करता रहता हूँ कि गिफ्ट ना लाए। नहीं, नहीं, एक और भी इसमें कोई चीज है। ये एक मेरे कजन है बख्तियार अली सियाल, इनके भाई है। भाई है मेरे छोटे, और उन्होंने ये किताब लिखी है। ये
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये करें और इसमें ये करेंगे ना सर, इसमें ये करें मलिक साहब की फोटो, ये देखें, ये अहले कलम में हम भी शामिल हो गए हैं सर जी, ये सारा ऊपर तक लेना, तो ये वाला ये, तो थैंक यू सर, ये तो बहुत कीमती है, अंदर भी है लेकिन वो चले हम बाद में देख लेंगे। तो ये किताब है, इनके छोटे भाई ने लिखी है, तो ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं, ठीक है जी। तो यानी जो कानून दान है जिन्होंने किताबें भी लिखी, राइटर है, मुसन्निफ, ये तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी और जफर मलिक साहब का भी शुक्रिया, आप जिक्र कर रहे थे जफर मलिक साहब का, बिल्कुल, तो उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सर आप बाहर से आते हैं, हम हमारे पाकिस्तानी सियासी हालात देख के आपको क्या लगता है, बड़ा कि क्या फील करते हैं आप? हालात देख के दिन रात हम बल्कि इन टच रहते हैं अपने मुल्क से, हाँ, और जब हालात दिल को होते हैं तो हमें बड़ा किस्म का वो बेचैनी महसूस होती है। अच्छा, क्योंकि पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा कंट्री हैं, हर एक में बड़ा स्मूथली यानी उनका निजाम सिस्टम चल रहा है, कोई भी सिस्टम, लेकिन हमारे मुल्क को क्या इनका नजर लग गई है कि ये स्मूथली इसका रनिंग नहीं हो रहा। इसकी जो मैं समझता हूँ कि इसकी दो वजूहत है, बिल्कुल ओपनली मैं कहूँगा न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ जी, एक तो हमारे माशाल्लाह हमारे डिफेंस वाले हैं माशाल्लाह, उनको अपने लिमिट्स के अंदर रहना चाहिए, ठीक है, अपनी मुल्क की सरहदों की जो है उसकी हिफाजत करनी चाहिए, और जब उनको उनकी मदद तलब की जाए तो वो फिर जाहिर है कि वो हेल्प करें, लेकिन वो उनको अपनी लिमिट से एस्टेब्लिशमेंट अपनी हदूद में रहे, ठीक है। दूसरा ये कि यहाँ की जो कोर्ट्स हैं जुडिशरी बिल्कुल है, और उसका आजकल रेटिंग आप देख लें कि वो कहाँ पहुंचा हुआ है, बिल्कुल नीचे चला गया है, रेटिंग आप देखे हमें बड़े किस्म की शर्मिंदगी होती है, ये हमारे हम तो बल्कि हमारी एहसास जो है वो इस्लाम के ऊपर है, और काजी का ओहदा जो था वो बल्कि वो तो बादशाह भी उसके कटहरे में आके खड़े हो जाते थे, काजी के सामने कांपते थे, तो हमारे मुल्क को क्या होगा कि ये जो निजाम कानून है बिल्कुल बिल्कुल ही नीचे चला गया, सोमालिया और अफगानिस्तान से भी नीचे जा रहा है, और हमारे पासपोर्ट की भी यही हालत है, अब पहले से ज्यादा कमजोर हो गया। दूसरा मैं ये देख रहा हूँ, मैंने खुद एक किस्म का एनालिसिस किया, हमारी जो कोर्ट्स का जो एक उसका मोटो है ना वो तराजू में, तराजू में देखने में तो वो बैलेंस लग रहा है, लेकिन उसका लग रहा है कि एक पलड़ा उसका झुका हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल झुका है, और ये चीज अच्छी जस्टिफाइड नहीं है, नहीं है। ये जस्टिस के खिलाफ है, तराजू का जो है ना बिल्कुल यानी उनका बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस तराजू होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी तो बात आपने की है, हमारी हर कोर्ट के बाहर तराजू लगा हुआ है, लेकिन आप ये समझते हैं कि तराजू के पलड़े बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं बराबर नहीं है, ये देखिए बाहर से जो लोग आते हैं वो किस तरह फील करते हैं, और उन्हें जाहिर है ये है तो पाकिस्तानी, लेकिन फील इनको होता है कि यार पाकिस्तान में ये दो चीजों की बड़ी अहम इन्होंने निशानदेही की है कि एक एस्टेब्लिशमेंट अपनी हदूद में रहे और दूसरा जुडिशरी जो है वो सही काम करे, और पूरी दुनिया में सर ये इदारे इस तरह सही काम करते हैं बिल्कुल, देखते हैं हम खुद का देखते हैं उनको, सियासत में मुदाखलत नहीं करते ये दोनों इदारे, बिल्कुल, तो यहाँ पे आप फील करते हैं कि दोनों इदारे सियासत में मुदाखलत करते हैं, क्योंकि एक शायर का बड़ा अच्छा शेर है कि चमन में जब बहार आए हमें भी याद कर देना, हाँ बिल्कुल सही, तो हम तो उस बहार के अभी मुंतजर है, वो बिल्कुल वो है जी, वो हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्ता में, चमन में जब बहार आए हमें भी याद कर देना, हमारा भी लहू शामिल है कुछ तज़ीने गुलशन में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए, कितना अच्छा खूबसूरत है, उस दिन के हम मुंतजर है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो दिन जरूर आके रहेगा, आज नहीं तो कल, और जब भी है इंशाल्लाह। देखिए जी हमारे सीनियर हैं और आपने देखा है कि जाहिर है बेशक इनके पास ये वहाँ के नेशनल हैं यूके के, लेकिन इनकी फिकर इनकी जिसम वहाँ पे होता है तो यूएसए फिकर इनका जो जिसम वहाँ पे रहता है और जहन यहाँ पे रहता है, इसी तरीके ना सर, तो इन्होंने बड़ी अच्छी निशानदेही की है, उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारे साथ जुड़े रहे, थैंक यू।